तो हेलो बच्चों, नुआबा यूट्यूब चैनल के बोड़ाबा सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो क्लास इलेवेंथ का सेकेंड टर्म के लिए एग्जाम जो होने वाला है उसका सिलेबस न सिर्फ आपको बताएंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं बचे हुए टाइम में और कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आपको मैं बता दूँ कि बाकी सब्जेक्ट के भी धीरे धीरे यहाँ पर डाले जाएंगे और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे बताया जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग के बोर्ड से रिलेटेड, तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फिजिक्स का पेपर का आप लोग का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का पेपर का, और मैं बता दूँ कि टर्म वन जो आपका हुआ था, टर्म वन वो ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये जो टर्म टू का एग्ज़ाम है, ये आपका टर्म टू का जो एग्ज़ाम है, मैं आपसे चलिए अच्छे से समझा देता हूँ कि आपका देखिए जो टर्म वन का पेपर हुआ था वो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये जो टर्म टू का एग्ज़ाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव तो रहेगा प्लस साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी रहेगा। लेकिन ये समझ के चलिए कि ज़्यादा सब्जेक्टिव भी रहेगा, सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी 35 नंबर का 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो ये टर्म वन की बात ही छोड़ो आप, ठीक है, यहाँ से देखिए 35 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो सब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूँ बच्चों कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत सारे बच्चे बीच में स्किप करते हैं, तो आधा अधूरी जानकारी रखोगे तो बीच में एग्जाम में भी आधा अधूरी में फंस जाओगे, इसलिए पूरी जानकारी रखा करो। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। मैं आप लोग को बता दूँ कि पिछले साल क्लास 12th के बच्चों को बहुत ही हेल्प हुआ उसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स भी लाए, तो हमने काफ़ी उनका हेल्प किया था, PDF दिए, सॉल्यूशन दिए। तो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कैसे जुड़ना, आप उसमें जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग भी क्लास 12th में एंटर करने वाले हैं, उसमें जरूर जुड़ जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक बार आपका सिलेबस पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्लास 11th का सिलेबस है ना, चलिए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, हम चलते हैं आपका आज फिजिक्स पर। तो ये देख पा रहे होंगे कि आपका टर्म वन का ये वाला पेपर आपका हो गया है, जिसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सारे पेपर आपके टर्म वन में आए थे चैप्टर। अब ये देखिए टर्म टू में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन और वेव्स। तो इसमें से देखिए कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए बच्चों, अब आपका एग्जाम जो होगा तो आपका देखिए लेंथी क्वेश्चन में 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन का विशेष तैयारी करना होगा, नहीं तो फिर एग्जाम में आप लोग फंसोगे, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आदत हो गया। लास्ट बार आपको लोग 10th में भी एग्जाम जब दिए थे तो शायद आप लोग 2021 के पास आउट हैं, है ना, तो 2021 से 2022 तक आपने 11th पढ़ा है ना, तो 2021 में एग्जाम भी नहीं हो पाया था अच्छे से। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग तैयारी इस प्रकार से करें कि आप लोग को दिक्कत ना हो आगे जाके, नहीं तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम नहीं हुआ है तो लिखने का आदत बहुत दिन से छूट गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, सुनिए हमारी बात, कि आप लोग गेस पेपर जो होगा, अभी देखिए मॉडल पेपर टर्म टू का आया नहीं है, टर्म टू का मॉडल पेपर अभी तक आया नहीं है, तो आप मॉडल पेपर के भरोसे मत बैठा रहिए। आप लोग को तैयारी कैसे करना है यहाँ समझिए। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो भी मॉडल गेस पेपर है आप उससे, है ना, डेली 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 2 नंबर वाले डेली 5-5 क्वेश्चन फिजिक्स का लगाया करें, फिर केमिस्ट्री का भी मैं बताऊंगा, 5-5 क्वेश्चन डेली लगाया करें, मतलब आप समझ रहे हैं 15 क्वेश्चन आप लोग को डेली तैयारी करना है फिजिक्स का। ठीक है, आप इसको 4 भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो 4 भी करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-4 क्वेश्चन भी आप लोग करके चलोगे तो अभी से बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ना नहीं रहेगा। सभी पेपर को आप लोग साथ में लेकर चलें, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ सुनते जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के डेली 4-4, 5-5 क्वेश्चन बनाओगे, इसके 4-4 क्वेश्चन बनाओगे फिजिक्स मैथ में, उसमें बता दूंगा कितना कितना करना है। अब देखिए ये पेपर कैसे तैयार करना है आपको, पहले आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जानना होगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे मैं बता रहा हूँ वैसे ही जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, आप लोग सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, है ना, ठोस के मैकेनिकल गुणधर्म जो होगा। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, तो ये सब के हिंदी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि सभी के हिंदी मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, वेव्स मतलब हो गया आपके धाराएं, है ना, ऑसिलेशन मतलब हो गया ऐसे ऐसे जो ऑसिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी हमको अच्छा से याद नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए इसका कैसे आपको प्रिपरेशन करना एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेरिवेशन आता है और कोई चीज़ डिस्क्राइब करने आता है, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन का इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते रहते हैं। तो डेरिवेशन आप लोग कैसे बना सकते हैं, तो लास्ट ईयर का सिर्फ छोड़ दें, लास्ट ईयर का सिर्फ छोड़ दीजिएगा, मतलब जो एकदम पिछले साल हुआ है उसके पिछले 3-4 साल का डेरिवेशन आप लोग
लोग करके रखें, ठीक है। डेरिवेशन आप लोग 3, 4 या 5 साल का भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आता है ना घूम घूम के। तो डेरिवेशन आप लोग कर लीजिए, और उसके साथ ही साथ देखिए डेरिवेशन करने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्क्राइब करने आएंगे, तो डिस्क्राइब करने वाला क्वेश्चन आसान होता है 5 नंबर वाले, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा चित्र बना दीजिएगा, पॉइंट वाइज पहला अंतर, दूसरा डिस्क्राइब, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, इस तरह से करके आप लोग लिख दीजिएगा, तो वो आसान है। अब इसमें से देखिए टर्म वन में आपका सभी आसान आसान चैप्टर भी था, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, तो ये सारे आसान चैप्टर थे। इसमें से सिर्फ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ये थोड़ा डिफिकल्ट था, और थोड़ा सा ये भी चैप्टर अच्छा था, वर्क पावर एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। लेकिन इधर देखिए, इधर लगभग सभी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। ग्रेविटेशन भी आपका देखिए मतलब कि मीडियम में आता है, इसमें काफ़ी मतलब कि क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। उसके बाद ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी ठीक चैप्टर है, ऑसिलेशन और ये वेव्स और ये तीनों चैप्टर अच्छे चैप्टर हैं, मतलब डिफिकल्ट चैप्टर भी मान सकते हो। इसे डेरिवेशन ज़्यादा पूछा जाता है, और ये सारे आप लोग एक बार देख लीजिएगा सभी का, जो डिस्क्राइब करने वाला क्वेश्चन है ये इन सभी से आता है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखा देते हैं इन चैप्टर का, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कम से कम क्या क्या आप लोग को कंप्लीट करके रखना है। यहाँ से देखिए मैं सिर्फ टॉपिक एक बार आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आ सकता है। ग्रेविटेशन में देखिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसके बारे में आ सकता है 3 नंबर में, है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। डेरिवेशन देखिए, इसका डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर गेस्ट पेपर में मिल जाता है तो गेस्ट पेपर में देख लीजिए इन सभी डेरिवेशन में कौन कौन डेरिवेशन दिया है, कम से कम उतना डेरिवेशन तो करके जरूर जाना। जैसे देखिए सभी डेरिवेशन अगर नहीं कर पाते तो जितना अगर गेस्ट पर में दिया उतना कर लेना, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, है ना। तो ये सारे आप लोग करके रखना है टॉपिक। आगे देखिए प्रॉपर्टी जो बल्क मैटर में देखिए क्या क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में देख लीजिए इलास्टिक बिहेवियर, है ना। जो इलास्टिक बिहेवियर होता है आप लोगों को पता होगा कि फिर जो डिफॉर्मिंग फोर्स रहता है उसको हटा लिया जाता है, तो वो अपना पुराना वाला जो फॉर्म रहता है वो ले लिया जाता है, वही बिहेवियर को इलास्टिक बिहेवियर कहा जाता है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ग्राफ आपको इसमें मतलब कि बना के एक बार इसको दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। स्ट्रेस रेन स्ट्रेन सभी का आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला भी है ना। हुक्स लॉ है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन भी आप लोग को मालूम होगा क्या है ना। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिटिविटी, देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना इसमें थोड़ा सा रट्टा भी मतलब मारना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बार बार देखने वाला चैप्टर है ये वाला चैप्टर, खास करके जो मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसको जितना बार आप देखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी मतलब चीज़ कन्फ्यूज होने वाला ज़्यादा इसमें, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो, अगर देखिए आगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन, तो ये आप लोग देख लेना। अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में क्या है, प्रेशर ड्यू टू फ्लो, देखिए ये चैप्टर भी वैसे ही है जो मैंने पहले बताया कि को भी आप लोग को बार बार देखना होगा। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम्स है ना, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है आप लोग को पता होगा है ना, पास्कल्स लॉ पर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटिविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर है ना, विस्कोसिटी भी आप लोग को पता होगा है ना। फिर देखिए स्ट्रोक्स लॉ, इसका फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, विस्कोसिटी है ना। फिर देखिए विस्कोसिटी, आप लोगों को पता होगा कि नीचे का सभी लेयर जो होते हैं फ्लूइड के एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर तैरते हैं मतलब चलते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। थर्मल वेलोसिटी, ये देखिए स्ट्रीमलाइंड टर्बुलेंट फ्लो है ना। फिर आपको कंटिन्यूटी फ्लो आप लोग देखना पड़ेगा। फिर देखिए बर्नौलीज़ थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये लिखने आएगा तो ये सब देख लीजिएगा, चित्र के साथ बना दीजिएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, देखिए ये वाला भी आप लोग देख लीजिए। ये सारे चैप्टर में देखिए टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सब टॉपिक्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस है ना, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन आइडियाज टू ड्रॉप्स, बबल्स एंड कैपिलरी राइज, ये सारे आप चीज़ देख लीजिए। बबल्स एंड कैपिलरी राइज आप लोग को पता होगा कि जब कैपिलरी ट्यूब डाला जाता है तो वाटर में है ना जो कोहेसिव फोर्स होता है उसके कारण ये आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, नीचे ऐसे करके आपका लेयर यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है, जिसको यहाँ पे कैपिलरी राइज कहते हैं, वही पारा में नीचे चला जाता है। देखिए थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर में हीट एंड टेम्परेचर है ना, थर्मल एक्सपेंशन है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन, देखिए न्यूमेरिकल भी आ सकता है। लेकिन आप लोग जो चैप्टर एक बार देख लीजिए, कैलोरीमीटर आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं सारी चीज़ बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप एक बार देख लीजिए। आप लोग चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बार देख लीजिए, ये सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है इसमें। थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये मैंने बोला था कि सेकंड टर्म के सारे चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। मेयर्स फॉर्मूला, हीट वर्क एंड, देखिए इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन, देखिए कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये सब आएंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा आप लोग,
ठीक है। आगे देखिए आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखिए सब टॉपिक्स कम है, लेकिन सब टॉपिक्स थोड़े अच्छे से देखने होंगे। ऊपर वालों में सब टॉपिक्स ज़्यादा था, लेकिन बार बार देखना पड़ेगा, छोटे छोटे उसमें काम है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ से देखिए काइनेटिक थ्योरी में आप लोग ये दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये सारे चैप्टर, है ना। ऑसिलेशन और वेव्स में मैं चलता हूँ। देखिए ऑसिलेशन एंड वेव्स में आप लोग देख लीजिए, ऑसिलेशन में पीरियोडिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप लोगों को पता होगा कि जब ऑसिलेशन होता है तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे जो होता है क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, वो जीरो हो जाता है ना। जबकि एक्सेलरेशन जो होता है आपका एक्सट्रीम पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर मतलब मैक्सिमम होता है, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होता है, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, देख लिया आप जो सब टॉपिक सारे देख लीजिए, है ना। धीरे धीरे रेजोनेंस वेव्स में देख लीजिए, वेव्स मोशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। तो इतना ही चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा, और सारे टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट दिखा दिए हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सारे टॉपिक्स के जो सब टॉपिक्स मैंने बोले हैं, सब टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिएगा, मतलब सभी अध्याय के जो मैंने छोटे छोटे पार्ट बताए वो सारे अच्छे से कम जरूर करके रख लीजिएगा। और आप डेरिवेशन जरूर करके रख लीजिए, और डिस्क्राइब करके ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। अभी से अगर आदत नहीं बनाओगे बच्चों तो 12th में बहुत दिक्कत होगा, ये सारे चैप्टर 12th से जुड़े हुए हैं, तभी से तैयारी कर लीजिए। चलिए हम लोग एक बार टेलीग्राम में आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको जुड़ना है। आप लोग वहां पर जरूर कम से कम जुड़ जाएं, और चैनल सब्सक्राइब करके ये वाला रख लें। तो ये दो काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम में जुड़ जाना है। यहां से देखिए हमारे 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, यहां देखिए 3 टेलीग्राम ग्रुप हैं, देख लीजिए टेलीग्राम। इसमें से 2 टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है, एक है टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम, देख लीजिए टेलीग्राम का मेन ग्रुप है वो है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। इसमें 10th और 12th वाले सभी जुड़ते हैं, तो इसमें तो जुड़ना आपको जरूरी है। तो ये वाला आप जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। अगर अभी तक टेलीग्राम को आप लोग इंस्टॉल नहीं किए तो टेलीग्राम को जाकर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जाके फिर टेलीग्राम में अकाउंट बना लीजिएगा अपना। और उसके बाद फिर एक यहाँ पे देख लीजिए क्या नाम है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, ये सर्च मारिएगा, सर्च वाले बटन में लगा के। सर्च करने के बाद इससे जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको चैनल का वहाँ पे आपको दिख जाएगा लोगो, ऐसा करके ये वाला चैनल वाला लोगो दिख जाएगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा वही चैनल है। अब ये देखिए 10th वालों का है, तो इसमें आपको जुड़ना नहीं है, 10th वालों में आप लोग मत जुड़िएगा, आप लोग इसमें जुड़िएगा। क्लास 12th टेलीग्राम ग्रुप नेम क्या है, जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा। तो ये भी लिख के सर्च मारना है। देखिए बहुत सारे मैंने लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, लेकिन लिंक से बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते, तो नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाना। तो देखिए 2 चैनल में आपको जुड़ना है, क्लास 10th वालों में सिर्फ आपको नहीं जुड़ना है, ये वाला में जुड़ना है और ये वाला जुड़ना है, ठीक है। और ये चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, यूट्यूब का ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और ये टेलीग्राम में ये दोनों ग्रुप में आप लोगों को जुड़ जाना है। एक बार मैं आपको मेन ग्रुप का चैनल लिंक भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इसको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते हो तो फिर आपको जो मैं बताया हूँ उस तरह से करके जुड़ जाना, ठीक है। लिंक मैं दे दिया हूँ, फिर भी अगर नहीं जुड़ पाते हो तो नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाना। वहाँ पर देखिए वीडियो और PDF सॉल्यूशन सभी धीरे धीरे क्लास 12th के मिलते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ आपके, धन्यवाद।